एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मैं अरुणाचल आई थी तो मैंने सोचा कि मैं कोई थोड़ी ट्रिप कर लूँ, तो मैं आज जा रही हूँ आरिनी घूमने। तो हम लोग पासीघाट के थ्रू से जा रहे हैं। सो यार आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, क्योंकि आपको ट्रू ब्यूटी देखने को मिल गई। यू नो मैं ऑलरेडी अमेज्ड हूँ ये पासीघाट का सुंदरता देख के। यू नो इतना सुंदर है पासीघाट। कल रात को यहाँ पे मैं पहुँची थी तो बहुत हो गया था, रात हो गया था, तो फिर मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया था। और एक्चुअली आई वॉज सो टायर्ड सो मैंने किया ही नहीं। बट अभी जब मैं देखा सुबह और अभी हम जस्ट निकल चुके हैं, तो मैं ऐसे होगी मेरी वाह मैं एक्चुअली ऐसे हो चुकी थी। सो या आप बने रहिए इस ब्लॉग के एंड तक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आई एम डैम श्योर। यहाँ में ऐसे स्टॉल लगा के होता है। जाने से पहले हम ये आलू ले रहे थे, क्योंकि ये जो यहाँ में रिजनेबल है आदमी बहुत कॉस्टली बोल रहा था। और एक ये वाला लिया है और एक वो आलू लिया। और यहाँ पे ये लाइक पता है इतना रिजनेबल है, 10 रुपये मुट्ठी। ईटानगर में ये जो पिप्ती का है, हाँ इतना इतना रिजनेबल है। इसको भी खाता है यहाँ, ये भी 10 रुपये का। इतना रिजनेबल है पता है आपको, ईटानगर में ना 50 रुपये है, बहुत रिजनेबल है। तो हर चीज़ इतना कम दाम है, हम तो देख के शौक हो गया। ये भी 10 का मिला है, ये 10 और ये 20 का आते नीचे, इतना रिजनेबल है। आनिनी में एक्चुअली सब्जी बहुत कॉस्टली है, इसलिए हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत ले लिया। सब्जी तो हम एक्चुअली नहीं लिया, आपको तो दिखाया ना आलू और वो उसको क्या बोलते हैं, अनारस बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना। तो ले लिया, 50-50 का मिला है, रिजनेबल है बहुत ज़्यादा। आई मीन ठीक है, इतना अगर मैं कॉस्टली है, पासीघाट रिजनेबल है आई थिंक। अभी हम लोग यहाँ में कहीं में खाने के लिए रुका है, क्योंकि अभी हम लोग सुबह कुछ भी ब्रेकफास्ट करके नहीं निकला था। ये सुबह को हम लोग जर्नी कर रहे हैं, सुबह 7 हम लोग निकला था पासीघाट से आदिनी के लिए। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेगा, लंच एक बार हैवी मील खा लेगा, उसके बाद फिर बैक टू ट्रैवलिंग। इतना सुंदर है पासीघाट, लाइक लिटरली हमको एक दिन टाइम मिला के जस्ट पासीघाट घूमने आना चाहिए आई बिलीव। हम लोग यहाँ में खा रहे हैं, यहाँ में इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, तो हम लोग को जो मिले वही फिर हम खाएँगे। वो हम लोग खाना आ गया, इतना सुंदर है। इसमें चावल है क्या? ये भी इतना सुंदर है, बहुत कढ़ाई है तो छोटा कढ़ाई। और ये हमें मिला है थाली में, खाने में दाल ये सब। और ये होटल का मालिक मालकिन यूट्यूबर को लगा बढ़िया लग रहा है, हम फर्स्ट टाइम ऐसे खा रहे हैं। ये रोइंग का मार्केट एरिया इधर लाइन से मार्केट जितने ऑटो लोग पूरा कवर कर दिया। तो हम लोग अभी रोइंग पहुंच चुके हैं, और हम लोग अभी एक तो सर था उसका घर पे चाय पिया था, ये जान हमने जानता था, इनका जंडेला था। तो अभी हम लोग चाय पी के अभी बैक टू जर्नी। तो इतना लंबा जर्नी कर रहे हैं पर हमको इतना मज़ा आ रहा है, लिटरली लाइक हम इंजॉय कर रहे हैं ये जर्नी, क्योंकि एक तो अच्छा पार्टनर मिला है। अगर जर्नी में अच्छा पार्टनर हो तो मज़ा आता है ना। तो हम लोग पूरा बात कर करके जा रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी कांट वेट टू सी आनिनी। Thank you.
नीचे पूरा धूप है और ऊपर का वो है। और यहाँ से रास्ता पतला होना स्टार्ट हो गया, जितना ऊपर जाएगा उतना पतला होते जाएगा और डेंजरस होते जाएगा। हम लोग अभी यहाँ में थोड़ा व्यू पॉइंट में थोड़ा रुका हुआ है ताकि हम थोड़ी फोटोज क्लिक कर सके और थोड़ी वीडियोस ले सके। हाँ अरे हम पर इधर चला गया था। कितना सुंदर है। जैसे ही ऊपर जाते जा रहे हैं ठंडा होना स्टार्ट हो गया इसलिए हम ये स्वेटर डाल लिया और हाथ में एक जैकेट लेके रखा है ताकि जब ज़्यादा ठंडा हो जाए तो हम ये मोटा जैकेट पहनना पड़ेगा। नीचे तो कुछ दिखना ही बंद हो गया, सब फोग फोग है। इतना फोग वाला रास्ता से आने का था, अचानक से देखो धूप आ गई। सिक्स आवर्स हम लोग अभी ट्रैवल कर चुके हैं। सिक्स आवर जर्नी के बाद अभी हम लोग यहाँ पे रुका है चाय पीने के लिए। हम लोग चाय पियेंगे फिर हम फिर वापस बैक टू जर्नी। मज़ा आ रहा है मुझे तो, अभी तक मैं टायर्ड तो नहीं हुई पर थोड़ा सा नींद आना स्टार्ट हो चुका है। भैया मज़ा है, बहुत मज़ा है, बहुत ज़्यादा। अभी तक अनिल पहुँचा भी नहीं है, स्टिल बहुत मज़ा आ रहा है। नेचुरल एसी। और हम लोग चाय पीने का अभी फिर से बैक टू जर्नी, फिर से हम लोग अनिल के उधर जाते हुए। अच्छा अभी शाम का 5 बज चुका है पर ऐसा लग रहा है कि रात का 12 बज गए। मैंने बीच में रिकॉर्डिंग नहीं किया बट हम पहुंच चुके हैं। फाइनली अनिनी पहुंच गया। आई लव अनिनी। मैं पहुंच चुकी हूँ अनिनी बहुत काफ़ी देर के बाद। अनिनी में बहुत सारी जगह घूम घूम के आप सबको दिखाऊंगी मैं अनिनी का प्लेस, फिर आप सब भी आइएगा घूमने। सो दैट्स फॉर ऑल फॉर दिस ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।